जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुनीब और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीब बहावलपुरी। जी व्यूअर्स, एक नई वीडियो में आपका खुश आमदीद। आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस वक्त हम बहावलपुर म्यूज़ियम में मौजूद हैं और आज का दिन हम एक बहुत से अहम शख्सियात और नामवर शख्सियात के साथ गुजारने वाले हैं। और वो कौन है और उनकी शख्सियात के बारे में कुछ अहम बातें भी हम करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सकें। तो आए टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, हम सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो PTI की सीनियर रहनुमा है और एक फ़ीमेल है और उनका ताल्लुक बहावलपुर से है। जी बिल्कुल, आप सही पहुँचे हैं। मैं डॉक्टर सुमैरा मलिक की बात कर रहा हूँ। वो इस वक्त पहुँच चुकी हैं बहावलपुर म्यूज़ियम में। तो आए चलते हैं। आपने देख ही लिया होगा, डॉक्टर सुमैरा मलिक इस वक्त बहावलपुर म्यूज़ियम क्लब में पहुंच चुकी हैं। और अब नेक्स्ट जो हमारे शख्सियत है वो है प्रिंस ऑफ बहावलपुर बहावल खान अब्बास अब्बासी। तो वो भी इस वक्त पहुंच चुके हैं। आए चलते हैं। आपकी पेंटिंग देखी है।
बहुत पुराने आप मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे क्या आप करीब से यहीं पे आप होते हैं या यही होते मैंने पूछा था माना था कि मेरे सारे भाई का पुराना का जान है जी जी आगे पीछे हो जाए आप आगे आएंगे बहुत खुशी हो रही है कि ये देखें कि यहाँ पे डिफरेंट आर्टिस्ट जो है उन्हें चूज़ किया कि वो बहावलपुर शहर आए और यहाँ पे अपनी आर्ट शोकेस करें। बहावलपुर शहर में जिस तरह आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, यहाँ का आर्किटेक्चर है पुराना जो बच गया पहले उससे भी ज़्यादा, मतलब जो भी बच गया था उस रूप में लोग आके यहाँ से इंस्पिरेशन हासिल करते हैं सर, थोड़ा सा पेंटिंग्स को देख के वो आर्ट बनाते हैं। जो बहुत खुशी होती है, सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि पाकिस्तान के डिफरेंट कॉर्नर्स और इंटरनेशनली आर्ट जो है आर्ट लोगों को इकट्ठा करना मुझे इस बात की बहुत खुशी है। खास तौर पर इस वक्त में इस मुल्क के अंदर जो हालात हो रहे हैं खतरनाक किस्म के, इस वक्त एटलीस्ट लोगों के पास कोई रिलीफ है ओके इस सिचुएशन के। अच्छा सर एक चीज़ और मैं खुद थोड़ी महसूस कर रहा हूँ ये देखिए आज इंटरनेशनल एक काम से सॉरी हो यहाँ पे नवाब साहब की तस्वीर कहीं भी नहीं लगाई हुई, इसकी क्या वजह लगाई हुई यहाँ देखिए पूरे हाल के अंदर मुझे नज़र नहीं है। आप डोली में जब जाएंगे तो फ्रंट अच्छा दूसरा ये फरमाएँ कि बाहर सुबह बाबूजी के बारे में कुछ फरमाएँ अभी कोई मैं कमेंट नहीं। अच्छा वो आपसे कुछ मिलना चाहते हैं कोई उनको टाइम दे मुझे, उन्होंने कहा है कि आप उनसे मिलना चाहते हैं बाहर सुबह बाबूल को बोले मेरा घर हर वक्त खुला है मेरे दरवाजे खुले जो मिलना चाहते हैं जो मिलना चाहते ठीक है। अच्छा एक मैं बात क्लियर करना चाहूँगा ये सर सादिक आर्ट क्लब उन्हीं के ऑनर में ये प्यार है, इससे बड़ी और क्या सबूत आपको ये एक बार देखें नहीं कहने का मकसद है। अच्छा मेरी अपनी ज़ाती दिल्ली का मानना है कि चौक्स रह के यहाँ पे एक बहुत जहाँ पे तकरीबन 8 फुट लगते हैं यहाँ पे अंदर एक बहुत बड़ा नवाब साहब का जस्मा लगाया गया वहाँ पर नहीं सर वो है देखें वहाँ लगा हुआ है कुदाल सादिक में वो नवाब साहब के शान के मुताबिक नहीं है कुदरत समझे चौक्स रह के लग रहे जहाँ पे देखें 8 फुट वहाँ क्रॉस कर रहे हैं स्टेशन से आने वाला शहर से जाने वाला हर तरफ से जाए वहाँ पे होना चाहिए कम अज़ कम 20 फुट का हो कि हमें पता लगे हमारी जो शान है हमारी आन है और जितना पाकिस्तान के लिए नवाब साहब ने कुर्बानी दिया किसी ने नहीं दी हाँ बिल्कुल इसलिए कह रहे आप दिखाया है बच्चों ने दंग से है तस्वीरें कायनात में रंग के फीमेल की वजह से ही कायनात में रंग होते हैं लेकिन वही फीमेल जो सबको रंग देती है रखती है लेकिन उसकी अपनी जिंदगी कर रही है उसको डेथ चले जाती है सारी उसने रहना सारे यहाँ को रोशन करके सबको अपनी सेटअप करके चाहे वो एक माँ है चाहे वो एक उस्ताद है चाहे वो एक जो उसकी स्ट्रगल
नेशनल एग्जीबिशन हो रहा है यहाँ पर, तो आप एज ए नवाब भी हैं, आप क्या कहेंगे इस तरह के इवेंट्स को मज़ीद किस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए और इंटरनेशनल सतह पर हमारा भावलपुर का नाम किस तरह से? बहुत खुशी हो रही है देखिए कि यहाँ पे इंटरनेशनली, इंटरनेशनल तो ठीक है, पाकिस्तान के अंदर लोकली भी इतने ज़्यादा आर्टिस्ट हैं, उसकी भी खुशी हो रही है। तो बाबरपुर को तो ऐसे समझा जाता है जिस तरह कोई बैकवर्ड एरिया है, वो तो बेचारे लोग यहाँ क्योंकि आँखें निकल आती हैं, देखिए यार यहाँ महल देखो या इनके स्कूल देखो, वो ये लाइब्रेरी बनाई है लोगों के लिए, लोगों ने ये देखो तो सही। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोग हर जगह से आ रहे हैं, यहाँ से इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं, यहाँ की भी आर्ट कर रहे हैं और इस जगह को देख रहे हैं, और बाबरपुर को तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो आपने देखी इंटरनेशनल मुसवरों की भी यहाँ पर नुमाइश लगी हुई और पाकिस्तान के आर्टिस्ट भी, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि पाकिस्तान के आर्टिस्ट के अंदर क्या वो नुमाया सामने चीज़ें आ रही हैं और इंटरनेशनल सतह पर क्या चीज़ें हैं सामने कंपैरिजन? आर्ट एक चीज़ है जो आप जहाँ झोंपड़ी में भी बैठे हो ना, अगर आप में टैलेंट है तो आप में टैलेंट है, उससे इंटरनेशनल या लोकल या किसी चीज़ ना पैसे का फ़र्क पड़ता है किसी चीज़ का नहीं। आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर होती है, ठीक है ना, आप जो भी सोचते हो आप उसे पेपर पे लिख देते हो, बना देते हो, वो आपकी आर्ट है। थैंक यू। तो उसमें कोई पॉलिश नहीं कर सकता, कोई बना नहीं सकता, और एक आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो पीस भी प्रमोट को करती है, कम्युनिटी को इकट्ठा लेके आती है। अभी जिस तरह मैं फिरता रहा हूँ यहाँ पाकिस्तान से, ऑल ओवर के लोग हैं, कोई सेंट्रल पंजाब से, कोई नॉर्थ पंजाब से, कोई के पी के से, कोई सिंध से, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म पर तो पाकिस्तान इकट्ठा हो जाता है, खासतौर पर इस टाइम पर जब पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, तो लोगों को थोड़ी सी भी खुशी मिल जाती है तो मुझे खुशी होती है। थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ हम ऐसे इंटरनेशनली बिनारे कराना चाहते हैं और हम फॉरनर्स को बुलाना चाहते हैं, बस फॉरनर्स की कमी है, और इतना सक्सेसफुल ये आप देखेंगे अभी कितना हो रहा है जी। देखो चार लोग गवाह रहे ना सारे, नवाब साहब ने वादा किया है और फॉरनर्स बुला के देंगे, Thank you.
would like to thank the organizers of the Sadiq Art Club and also to congratulate them on their second international watercolor exhibition. I welcome the 186 artists from the 48 countries that have been showcased here today to Bahawalpur, the city that my ancestors have built. Bahawalpur has a rich cultural heritage that goes back 300 years. There are remains of 23 forts in the Cholistan, and more than a dozen palaces exist in Bahawalpur city. My ancestors were extremely fond of architecture, and they hired European architects in order to get the perfect blend of European and Islamic architecture. This architecture is reflected in all the palaces and all the public buildings that they have built in Bahawalpur city. Sadegarh Palace and Noor Mahal are the most prominent reflections of their Italian architect. Apart from architecture, throughout the generations, my ancestors also had a lot of artwork commissioned of themselves that adorned the halls of their palaces. Abdurrahman Choktai constantly came to Sadegarh Palace, an artist from the Royal Association of Arts in London, like Bevan Petman, were hired at the Nawab's court. The few works of art that have survived constantly remind us of the role that art can play in preserving a place's culture and heritage. Many paintings today have drawn inspiration from this cultural heritage, and then I am glad to see that it is being appreciated here today. Historically, art has been used as a powerful instrument for collective reconciliation between communities, while equally being useful for individuals to overcome any trauma caused by such conflict. It is an extremely, especially an increasingly polarized and conflicted country like ours, art can also be a powerful instrument of peace that unites different communities. From the art that I've seen today, I've seen artists from Balochistan, Sindh, KPK and the Punjab, and I'm glad to see that they have all come together under the platform of art. Lastly, I would like to thank the organizers once again for inviting me here today and congratulating them on the role that they have played in preserving our heritage and promoting peace within the country. Thank you very much. डॉक्टर समारा मलिक और बहावल ख़ान अब्बास अब्बासी साहब भी यहाँ से जा चुके हैं। आपने वीडियो में भी देख लिया होगा कि आज का दिन हमारा कैसा गुज़रा। मज़ीद आज की पिक्चर्स और इन शख्सियात के बारे में थोड़ी बातचीत हम करते हैं। जी व्यूवर्स, ये पिक्चर मेरी डॉक्टर समारा मलिक के साथ है, जो PTI की सीनियर रहनुमा हैं। तो व्यूवर्स, टू बी वेरी ऑनेस्टली, मैंने सुना था कि ऐसे जो लोग होते हैं उनमें बड़ा एटीट्यूड होता है ये वो, तो बट जब मैं इनके पास गया, जैसे कि आपको पता है रिसेंटली मैंने YouTube स्टार्ट किया है, तो अपनी YouTube वीडियो के थंबनेल के लिए मैंने सोचा कि पिक्चर बनवा लेता हूँ थंबनेल पे लगाने के लिए। तो मैं इनके पास गया कि मैम मैंने पिक्चर बनानी है, तो इन्होंने पिक्चर भी बनवाई। और टू बी वेरी वेरी ऑनेस्टली, कोई एटीट्यूड नहीं मुझे नज़र आया। और पिक्चर बनाने के बाद उन्होंने थोड़ी सी बातचीत भी की, जैसे कि उन्होंने पूछा कि क्या करते हो, किधर से हो। तो मैंने इनके बारे में जो सुना था कि बड़े लोग जो होते हैं ऐसे सेलिब्रिटी लोग जो होते हैं उनमें एटीट्यूड वगैरह होता है, तो वो बिल्कुल गलत सुना था। जी व्यूवर्स, ये सेकंड पिक्चर जो है ये दूसरे शख्सियत के साथ है, ये बहावल ख़ान अब्बासी साहब हैं। तो इनके बारे भी मैंने सुना था, और सुनने के साथ साथ बल्कि मैंने आज देखा भी कि इन्हें जब वेटर ने पानी की बोतल सर्व की, तो इन्होंने उनके हाथ से डायरेक्ट नहीं पकड़ी, उन्होंने टेबल पे रखी तो वहाँ से ली। तो ये देखकर मैं थोड़ा डरा भी कि यार मैं इनका एमी पिक्चर बनवाने जाऊँ और आगे से ये मुझे मना कर दें या ऐसा कुछ। तो फिर भी मैंने दिल बांधा, मैंने कहा कोई नहीं यार, देखी जाएगी जो होता है। और जब मैं पिक्चर बनवाने गया तो सीरियसली जो मैंने सोचा, जो देखा, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। ये भी बहुत अच्छे शख्सियत के मालिक हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। जी व्यूवर्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी।
और अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी दिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा। शुक्रिया, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।